नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत के मिनी सेक्रेट में आया हुआ हूँ और यहाँ पर अभी एक भाई आया हुआ है और उसकी समस्या सुन लेते हैं, क्या कुछ समस्या है। नमस्कार भाई साहब जी। मेरी बहन है 16 वर्षीय। कितने साल के? नाबालिग 16 वर्ष। 16 वर्ष की? हाँ जी। क्या कुछ पूरा मामला बताएं। ये जी कोई मोमडन है, सलमान नाम का लड़का, हमारे पड़ोस में रहता था अपने मामा के पास। अच्छा। तो 9 तारीख से, 9 सितंबर से बहरा फुसला कर उसको ले गया। हमने मुकदमा दर्ज किया है चांदनी बाग थाने में। कौन सा थाना लगता है आपके? चांदनी बाग थाना, MGR। अच्छा। वार्ड नंबर 12 से। अच्छा, फिर क्या तो कुछ कार्रवाई की पुलिस ने? कार्रवाई कुछ नहीं हुई जी अभी तक। फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, हम थाने में जाते हैं, उल्टा हमारे को धमका देते हैं, नंबर भी दे रखे है। वहाँ पे पुलिस चौक के इंचार्ज कौन है? जो जिसके पास केस है उसका नाम है जी प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार, हाँ। डेजिग्नेशन क्या उनकी? कुछ कार्रवाई करी नहीं, बस क्या करें। मतलब किस पे है वो? SI है, ASI है, क्या है, कुछ पता आपको? ASI है। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। आपका नाम? मोहित। मोहित, तो क्या कुछ पूरा मामला है सर? जो लड़की है जी वो हमारे पड़ोस में से ही है, 16 वर्ष की उम्र है। और जो लड़का है उसके मामा यहाँ से रहते हैं, 2-3 साल से लड़का यहीं पे रह रहा था मामों के पास। अच्छा। तो लड़की से एक लड़का भी था जो बीच में जो बात करवा था लड़की से। अच्छा। तो उस लड़के को भी हमने पूछताछ किया है। तो उन्होंने बताया शादी के फोटो भेजे, उसने शादी कर ली। तो लड़की उम्र का मैं शादी तो कर नहीं सकते। तो फिर हमने पुलिस कंप्लेंट करी। उसके करने के बाद पुलिस वाला कहते हैं तो हम ढूंढ लो, हम भी देख लेते हैं। फिर 2 दिन का टाइम दिया, वो तब मैं छानबीन करूँगा, पड़ोस में आऊँगा, पूछताछ करूँगा। ना कल आया ना परसों आया, ऐसे हफ्ता हो चुका है सर। अब तो अभी तक नहीं आई जी। हमने तो अब क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कहाँ आए हो, किससे? हम DC मोदी के पास आया है और फिर SP के पास आया है। अच्छा। और CM विंडो में भी हमने लगाई है। अच्छा। हम चाहते हैं इनके जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको इनकी लड़की दी जाए। तो मैं ये एक एप्लीकेशन में जूम करके मैं दिखाना चाहता हूँ। ये SP मैम को परिवार की जो एक एप्लीकेशन है वो लगा रहे हैं कि इनकी गुड़िया बहला फुसला कर कोई मुसलमान का लड़का लेके चला गया है। तो उसी के लिए ये लोग आए हैं, उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस, इनका आरोप है कि पुलिस इनकी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अब आपकी सीधी सी क्या आपकी मांग है? यदि हमारी SP साहब से मांग है कि इस विषय पर तुरंत कार्रवाई की जाए और इनकी लड़की इनको कहीं से भी ढूंढ के बरामद की जाए। तो आप लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से आज का दौर चला हुआ है कि बहला फुसला कर लड़कियों को ले जाया जा रहा है। ये एक केस नहीं है, मैंने कई केस ऐसे देखे हैं। और मैं अपने पानीपत प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इनके जो भी केस है उसमें संज्ञान लिया जाए, कार्रवाई की जाए और से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और इनकी गुड़िया इनको वापस दे दी जाए। तो इस वीडियो के साथ और कुछ बोलना इनकी मम्मी आ रही है? कोई बात नहीं। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।